आज का वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस पे, कोविड-19 पे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एक महामारी घोषित कर दिया है। तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। इंडिया की बात करूँ तो अभी इंडिया में क्या स्टेटस है, कौन सा ऑफिशियल नंबर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, इसके अलावा कौन सी ईमेल आईडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, कौन कौन से टेस्टिंग सेंटर सेटअप किए गए हैं जहाँ पे आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं कोरोना को लेके, इसके अलावा क्या जो दूसरे टेस्टिंग सेंटर्स हैं इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलावा, क्या आप वहाँ पर इसका टेस्ट करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। मैं आप लोगों को सिम्टम्स भी बताऊँगा, जो मिथ है इस बीमारी को लेके जो कि बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है उस पर भी आप लोगों को बताऊँगा, और साथ ही साथ क्या क्या प्रिकॉशंस है लेने चाहिए वो भी बताऊंगा, और अगर आप इंडिया से हो तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको नज़रअंदाज करनी चाहिए वो भी बताऊंगा। कुछ अपने एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बट उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही वीडियोज़ जब भी मैं लेके आऊँ आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। दोस्तों एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कोरोना के बारे में बताऊँ कि बहुत सारे लोगों ने 4-5 दिनों से मुझे मैसेज किए, क्वेश्चंस किए मुझे कि भाई प्रवीण सर कहाँ पर हो, प्रवीण भाई कहाँ पर हो, वीडियोस नहीं आ पा रहे आपके, क्या हो गया, ठीक तो हो ना। तो काफ़ी अच्छा लगा जब लोग आपकी इतनी परवाह करते हैं, वीडियोज़ का इंतज़ार करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ बीच में फेस्टिवल्स भी आ गए थे और मैं जोधपुर गया हुआ था तो इस वजह से जो है वीडियोज़ अपलोड नहीं हो पा रहे थे। दिल्ली आ चुका हूँ दोस्तों, दिल्ली आने के बाद ये फर्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सब कुछ ठीक है दोस्तों, और अगर आप ऐसे ही मेरे ट्रैवलिंग वगैरह के अपडेट्स वगैरह लेना चाहते हैं, मैं कहाँ जा रहा हूँ वो सारे अपडेट्स वगैरह लेना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं डालता रहता हूँ जो अपडेट्स वगैरह होते हैं। सो हम बात कर रहे हैं दोस्तों कोरोना वायरस को लेके। अभी पूरी दुनिया में ये जो चीज़ है वो बहुत फैल रही है, 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के लोग इससे अफेक्टेड हैं। चाइना में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है लोग, 88,000 केसेस जो है चाइना के हैं अकेले, उसके बाद ईरान, इटली, जर्मनी, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि साउथ कोरिया, ये जो कंट्रीज़ है वो आती है, ठीक है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में इतने बहुत ज़्यादा केसेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 73 केसेस अभी तक दिखे हैं, रिकॉर्ड हुए हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जब शूट कर रहा हूँ। हो सकता है आगे कुछ नंबर बढ़ जाए क्योंकि लास्ट 5-6 दिनों से ये देखा जा रहा है कि जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। तो 56 केसेस जो है इंडिया के लोगों के हैं, 17 जो है इटली के लोगों के दर्ज किए गए थे वो है, तो टोटल 73 केसेस आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, राइट। अभी बात करूँ कि क्या इंडिया में इतना पैनिक होने की ज़रूरत है, नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको महामारी घोषित कर दिया गया है। हमारे देश के जो न्यूज़ चैनल्स हैं वहाँ पे रोज़ इस पर खबरें दिखाई जा रही है, रोज़ लोगों को डराया जा रहा है। इसके अलावा यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग वीडियोज़ बना के डरा रहे हैं, बट मैं आप लोगों को बता दूँ इंडिया में अगर आप हो तो डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऐसे कोई इमरजेंसी वाले हालात नहीं है, केसेज़ है कोरोना के दर्ज किए गए हैं, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है पूरे यहाँ पे सावधानी बरत रही है। मैं भी जब जोधपुर में था तो मैंने स्टेशंस वगैरह पे वहाँ पे अनाउंसमेंट वगैरह सुनी। इसके अलावा करीबन 1.25 महीने पहले जब मैं दुबई गया था उस समय में भी स्क्रीनिंग वगैरह जो है गवर्नमेंट ने शुरू कर दी थी, उस समय में भी 1.25 महीने पहले भी जब इंडिया में इतना कोरोना का इफेक्ट नहीं था। आज की डेट में तो अगर आप एयरपोर्ट जाते हैं, किसी और कंट्री जाते हैं तो स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके अलावा हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक यहाँ पे एडवाइजरी जारी की है जिसमें सारे जो वीज़ाज़ हैं, एक्सेप्ट कुछ वीज़ाज़ रखे हैं यहाँ पे जो कि डिप्लोमेटिक वीज़ाज़ होते हैं या फिर यूएन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के वीज़ा है या फिर जो कोई वर्क वीज़ा पे आता है, उनको छोड़ के बाकी जितने भी वीज़ाज़ हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है, आगे बढ़ा दिया गया है 15 अप्रैल 2020 तक, राइट। तो जिन्होंने भी अप्लाई किया था उनका आगे बढ़ जाएगा। इसके अलावा ये जो चीज़ है वो 13 मार्च 2020 से लागू होगी। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों कि टेक्निकली कोई भी इंडिया बाहर से नहीं आ सकता, गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जो भी लोग यहाँ पे चाइना जाना चाहते हैं, साउथ कोरिया जाना चाहते हैं, हांगकॉन्ग जाना चाहते हैं, ईरान, इटली, जर्मनी, फ्रांस, यहाँ जो इन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं जहाँ पे कोरोना सबसे ज़्यादा फैला है तो वहाँ पे ना जाए, गवर्नमेंट ने ये कहा है। अननेसेसरी किसी बाहर की कंट्री में घूमने ना जाए, गवर्नमेंट ने ये भी कहा है। मेरे भी कुछ प्लान्स थे दोस्तों बाहर जाने के, बट मैंने सभी चीज़ों को पोस्टपोन कर दिया है आगे, क्योंकि अभी पूरी दुनिया में ये चीज़ फैल रही है तो एक बार अपनी कंट्री में रहना ही सुरक्षित है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके सिम्टम्स वगैरह बताना चाहूँगा, उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ कि कौन कौन से टेस्टिंग सेंटर्स वगैरह है और कौन से नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो सिम्टम्स इसके जो है जनरल फ्लू की तरह ही है, बुखार आता है,
इसके अलावा सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, इसके अलावा आपको जुखाम रह सकता है। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आप लोगों को देख सकते हैं। जो फॉरेन जाके आए हैं और उनको लगता है कि भी उनको जुखाम वगैरह हो गया, कोरोना हो गया, तो उसका जो इनक्यूबेशन पीरियड होता है जहाँ पे मतलब इस चीज़ के आसार नज़र आने लगते हैं, तो वो करीबन 7 दिन का होता है। 7 से 14 दिन में अगर जिसको हुआ हुआ होता है उसको असर दिखने लग जाता है, ठीक है। तो अगर आपको जुखाम वगैरह हो जाए या फिर बुखार वगैरह हो जाए, अगर आप फॉरेन नहीं गए हैं तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फॉरेन से आए हैं किसी कंट्री से घूम के, अगर आपको 15-20 दिन मतलब जाने के बाद ही हो जाए, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद वो देखिए वो क्या बोलता है, अगर उसको नहीं समझ आता तो वो आगे आपको रेफ़र भी कर सकते हैं दूसरे डॉक्टर्स को, और वहाँ पे आपकी जांच वगैरह भी हो सकती है। यहाँ पे मैं आप बात करूँ कि कितने टेस्टिंग सेंटर्स हैं इंडिया में, तो 52 टेस्टिंग सेंटर्स जो है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से सेटअप किए गए हैं। ये जो नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर कॉल करके आप पता कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए कि भाई आपके घर के आसपास कौन सा सेंटर है, क्या क्या जो मेन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, इस नंबर पर कॉल करके आपको पता लग जाएगा। ये जो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी दिख रही है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई गई है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी को अगर बुखार हो गया है, किसी को अगर यहाँ पे जुखाम हो गया तो उसको यहाँ पे कोरोना हो गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। इंडिया में इतने बुरे हालात नहीं है अभी, राइट। तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगते हैं क्योंकि न्यूज़ वगैरह में, वीडियोज़ वगैरह में जहाँ भी देख रहे हैं कोरोना की बातें हो रही है, डराया जा रहा है। तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो अभी बात करते हैं कि क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेने चाहिए। एक तो अपने हाथ धोते रहो, ठीक है, और यहाँ पे नमस्ते करो, किसी से हाथ मत मिलाओ जहाँ तक हो सके। इसके अलावा आप यहाँ पे बाहर जाने से बचें, जो कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी यहाँ पे एडवाइजरी जारी करके बताया कि फ़ौरन ना जाए। इसके अलावा अगर आप बाहर निकले तो सर्जिकल मास्क पहन के ना निकले। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मास्क पहनने के चक्कर में वो 10-20 रुपये वाला सर्जिकल मास्क ले लेते हैं, वाइट कलर का जो आता है, उससे वो सोचते हैं कि रुक जाएगी। ये चीज़ नहीं रुकती, ये ड्रॉपलेट के थ्रू फैलती है, तो ड्रॉपलेट जो है उस मास्क से भेद के अंदर भी जा सकता है। तो अगर आपको मास्क पहनना ही है तो आप N95 वाला पहने जब आप भीड़ भाड़ वाली जगह में जा रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है। बाय द वे, डॉक्टर्स का ये कहना है कि मास्क पहनने की तो ज़रूरत है ही नहीं, मास्क तो उनको पहनना चाहिए जिसको ये बीमारी है, या फिर उनको जो ये बीमारी मतलब उन लोगों की बीमारी को ट्रीट कर रहे हैं, यानी कि डॉक्टर्स वगैरह। नॉर्मल लोगों को यहाँ पे मास्क पहनने के इतने हालात नहीं है इंडिया में, बट फिर भी आप प्रिकॉशन के लिए अगर आप पहनना चाहते हैं तो आप N95 का एक मोटा मास्क आता है इस तरीके का जो आप देख सकते हैं, वो पहन के आप निकल सकते हैं, तो वो ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा सेफ रहता है, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ यहाँ पे प्रिकॉशंस वगैरह थे जो आप लोगों को ध्यान में रखने चाहिए। अगेन लास्ट में ये कहूँगा कि इससे इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। लोग यहाँ पे न्यूज़ चैनल्स वाले वीडियोस के थ्रू ज़्यादा डरा रहे हैं, डरने की कोई भी बात नहीं है। इंडिया में सभी चीज़ें अभी स्टेबल है, अंडर कंट्रोल है, और मुझे लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत सारा यहाँ पे मतलब काम प्रोएक्टिव होके कर रही है, जो कि करना भी चाहिए क्योंकि ये बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है दोस्तों। एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलती है, तो कब ये ज़्यादा फैल जाए किसी को नहीं पता, और आप जितना जल्दी इसमें मतलब काम करना शुरू करोगे उतना ही इसका ज़्यादा इलाज है, ठीक है। तो अगर आपको कोई काम रहता है, आप जाना चाहते हैं अपने आसपास के शहरों में, आप बिल्कुल जाएँ, घबराए मत। और इंडिया में अगर आप ट्रैवल करना चाहें कर सकते हैं, बाकी फॉरेन में अगर आप ट्रैवल करना चाहें तो ये जो मैंने कंट्रीज़ आपको बताई है जहाँ पे सबसे ज़्यादा है वहाँ पे अवॉइड करें। अगर आपको काम वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट आ गया है आप जा सकते हैं, पर उसके लिए भी आपको रीजंस वगैरह देने पड़ेंगे जब आप वीज़ा अप्लाई वगैरह करेंगे कि आप क्यों जाना चाहते हैं। तो वो सारी चीज़ें थोड़ी जो अभी स्ट्रिक्टनेस हो गई है रूल्स के हिसाब से, तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। और लास्ट में एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जो मेरे दोस्त यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं ऑनलाइन, वो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं जो हमने शुरू किया है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप का, जहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ कि ऑनलाइन किस तरीके से पैसे कमाए जाते हैं, किस तरीके से एटलीस्ट शुरुआत की जाती है पैसे कमाने की, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करें, हमारी टीम है जो आपकी हेल्प करेगी आपको किस तरीके से कोर्स बुक करना है उसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे एग्जाम्स खत्म हो गए हैं अब क्या करें। तो मुझे लगता है कि ये कोर्स आपको करना चाहिए क्योंकि आप इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको इस कोर्स में मिलेगी, ठीक है। अभी कॉल करें, बहुत सारे लोग यहाँ पे कोर्सेज करवाते हैं, बहुत सारे आपको ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे, बट सभी कोर्सेज में मैंने एक चीज़ देखी है जो मिसिंग है, वो ये है कि वो आपको थ्योरी थ्योरी पढ़ा जाते हैं, वो आपको बता देते हैं कि ऐसे ऐसे होता है, बट वो प्रैक्टिकल नहीं करा पाते। हमारे कोर्स में आपको सभी चीज़ें प्रैक्टिकल मिलने वाली है, सभी चीज़ें लाइव डेमो के साथ मिलेगी, केस स्टडीज़ के साथ मिलेगी, जिससे आपको यहाँ पे आसानी होगी चीज़ों को सीखने में,
राइट, और उसको इम्प्लीमेंट करने में भी आसानी होगी। तो इस नंबर पे अभी कॉल करें दोस्तों, एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, सबसे बेस्ट टाइम है आप लोगों के लिए अपने एग्ज़ाम के बाद के टाइम को यूटिलाइज़ करने का, राइट। और इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो आप किसी भी उम्र में इस कोर्स को कर सकते हैं। हिंदी में कोर्स है, आपने यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन पे कर सकते हैं, आपको ऐप डेडिकेट की जाएगी, हमारी ऐप भी है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा आने वाले वीडियोज़ में, ऐप तैयार हो चुकी है। इसके अलावा जब आप ये कोर्स बाय कर लेंगे तो आपको पूरा एक यहाँ पे वीडियोस वगैरह मिलेंगे, तो उससे आप जो है घर बैठे प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, राइट। तो इस नंबर पे कॉल करके अपनी सीट्स बुक करें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूँगा, और कोरोना से ज़्यादा डरे मत, सिचुएशंस आर अंडर कंट्रोल राइट नाउ इन इंडिया, ठीक है। तो जल्दी अगली वीडियो में दोस्तों आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।